हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज खेलने चले, जहां मिलती है आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पैरा बैडमिंटन एथलीट मानसी गिरीश चंद्र जोशी के बारे में, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है वुमेन गर्ल्स एट पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो दोस्तों, आज हम इनके बारे में बात करना चाहते हैं क्योंकि ये कुछ इंस्पिरेशनल वीडियो होगी उन लोगों के लिए जो काफ़ी निराश हो जाते हैं किसी मैच के बाद, या अगर उनका इवेंट अच्छा नहीं हो पाता, यानी कि वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप मानसी गिरीश चंद्र जोशी जो हमारी इंडियन पैरा बैडमिंटन एथलीट है, अगर उनके बारे में आप जानेंगे तो आपको काफ़ी कुछ इंस्पायरिंग लगेगा उनके बारे में। तो दोस्तों, आज उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हमारी वेबसाइट जिसमें हमने इनके बारे में दिया हुआ है, तो दोस्तों ये इंडियन पैरा बैडमिंटन एथलीट हैं जिन्होंने 2019 में 20 इवेंट हुआ था पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि 20 से 25 अगस्त 2019 में स्विट्जरलैंड में हुआ था, उसमें ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। उससे पहले भी दोस्तों इन्होंने काफ़ी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं 2015 में, 2016 में, 17 में, 18 में, जो अलग अलग जगह में। 15 में इन्होंने इंग्लैंड में हासिल किया था, 16 में इन्होंने चाइना में, 17 में इन्होंने स्विट्जरलैंड में, 18 में दो जगह, एक थाईलैंड में और इंडोनेशिया में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो हासिल किया था। दोस्तों, इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है, एक मुंबई के कॉलेज है के जे सामैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। 2010 में इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग है वो ख़त्म की, और उसके बाद इन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो जॉब है वो की 2011 में। दोस्तों, अभी तक यानी कि अगर हम बात करें 2011 तक इनका कोई ऐसा मोटो नहीं था कि इनको एक बैडमिंटन प्लेयर बनना है, और ऐसा कुछ भी फ्यूचर प्लान नहीं था। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता है कि तकदीर को कुछ और ही मंजूर होता है, और ये बोलते हैं ना कि भगवान जो है वो आपके लिए कुछ और ही प्लान करके रखता है। तो दोस्तों, अब इन्होंने कब ये डिसाइड किया कि इनको नेशनल टीम में खेलना है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो 6 यानी कि जब ये 6 साल की थी तभी इन्होंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो कभी एज अ प्रोफेशनल उन्होंने कभी ये नहीं डिसाइड किया कि वो इसे प्रोफेशनली खेलेंगे। लेकिन दोस्तों, 2011 में कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई जिसके चलते उनका एक पाँव है जो कि काटना पड़ा था, उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जब वो ऑफिस जा रही थी, सो उनकी वजह से उनका पाँव जो है वो काटना पड़ा। लेकिन जब ये जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था उस दौरान, उस समय उन्होंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया, और जब वो उसमें वो काफ़ी अच्छा खेल सकी, और जैसे कि पता चला कि जब उनके दोस्तों ने ये बताया कि आप काफ़ी अच्छा खेलती हैं, आपको नेशनल टीम के लिए ट्राई करना चाहिए, तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने फुलोलाय गोपीचंद एकेडमी जो कि हैदराबाद में है वो ज्वाइन की, और जो अपना पहला टूर्नामेंट है वो स्पेन में खेला। और हालांकि उस टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं किया, यानी कि कुछ मेडल हासिल नहीं किए थे, लेकिन वो पहला इवेंट यानी कि पहला टूर्नामेंट था जो कि उन्होंने स्पेन में खेला था। फिर दोस्तों, उसके बाद उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, 15, 16, 17, 18 में उन्होंने मेडल जीते जो कि ब्रॉन्ज थे, लेकिन उसके बाद 2019 में जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था 20 से 25 अगस्त 2019 में, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो दोस्तों, ये कुछ कहानी कुछ पॉइंट्स थे उनके बारे में जो कि इंस्पिरेशनल है, क्योंकि उन्होंने कभी ये डिसाइड नहीं किया था कि वो एक प्लेयर बनेंगे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। तो दोस्तों, हमें भी कभी हार नहीं माननी, अगर आप किसी इवेंट में कुछ अच्छा नहीं कर पाते तो अपना निराश मत होइए, नेक्स्ट इवेंट के लिए ट्राई कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए, सो दैट इन फ्यूचर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छा आपका जो मेडल्स है वो आपको मिले। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।